हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका मालवी सर की क्लास में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और लेसन फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो क्या कह रहे थे हम लेंचो के बारे में, अभी तक हम पढ़ रहे थे। लेंचो बेचारा बहुत दुखी है, उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई है और फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। तो उतना सब होने के बाद फॉलोइंग संडे यानी आने वाले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, मतलब थोड़ा सा पहले बाकी दिनों की तुलना में ये जो संडे था ये थोड़े जल्दी। यूजुअल इसमें यूजुअल नहीं बोलते, यूजुअल इसमें यूजुअल यानी जो प्रायः जो आया करता था उस दिन वो थोड़ा सा जल्दी आया। काय के लिए? आस्क, पूछने। इफ देयर वॉज अ लेटर, कि कहीं कोई लेटर है फॉर हिम, उसके लिए, क्योंकि भाई उसने लेटर लिखा था तो उसके पास मन में क्यूरियोसिटी थी कि आप क्या करे हो। फॉर हिम इट वॉज द पोस्टमैन, अब पोस्टमैन जो था हिमसेल्फ खुद हु हैंडेड द लेटर, जो उन्हें खुद हैंडेड किया, लेटर सौंप दिया टू हिम उसे। वाइल द पोस्टमास्टर, और पोस्टमास्टर उस समय क्या कर रहा था, पोस्टमास्टर उस समय एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव ले रहा था, उसको वहां पर ही हिमसेल्फ वाज विटनेस काय का कंटेनमेंट संतुष्टि सेटिस्फेक्शन लेना चाह रहा था अब मैन उस व्यक्ति की हु हैज परफॉर्म, जिनने परफॉर्म किया है, पूर्ण किया है, कंप्लीट किया है, कोई भी काम किया है, वो कैसा है, गुड डीड, अच्छे काम किए है, अच्छे लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और उस व्यक्ति को देखने का वो सौभाग्य हासिल करना चाहता था कि जिसने इतने अच्छे पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। तो लेंचो यहाँ पहुंच चुका है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेंचो शोज Not the slightest surprise. अब लेंचो जो है उसने थोड़ा सा भी slightest मतलब हल्का सा भी इतना सा भी कोई सरप्राइज नहीं दिखाया। काय पर रहे भाई? On seeing the money, पैसा देखकर, such was his confidence. इस प्रकार का उसका confidence था, मतलब उसको पक्का भरोसा था, उन्होंने लेटर लिखा था पैसे मिलना है, तो कोई उसको कोई सरप्राइज ही नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, पर हाँ नाराज हुआ वो, एंग्री यानी नाराज हो गया। काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया तो वो नाराज हो गया। क्यों? कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि गॉड तो कोई भी गलती करने से रहे बिल्कुल कर ही नहीं सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते थे। What he had requested, जो भी उन्हें रिक्वेस्ट की है मना भी नहीं कर सकते। जो रिक्वेस्ट उन्हें डाली, रिक्वेस्ट कैसे करी, लेटर के थ्रू। क्या रिक्वेस्ट थी, रिमाइंड करा दूं, पैसे कितने, 100। अब उसको पैसे मिल भी गए हैं, लेकिन नाराज किस बात पे हो गया है वो, अब ध्यान दे, नाराज ये हो गया कि जब उसने पैसे काउंट किए तो कम मिले। अब आपको पता है कैसे कम मिले, तो वो ये सोच रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती कर नहीं सकता, और हाँ मना भी नहीं कर सकता, लेंचो ने लिखा है लेटर में, मना नहीं कर सकता, ऐसा वो सोच रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इमीडिएटली तुम से तुरंत लेंचो वेंट अप, लेंचो जल्दी से गया कहाँ, टू विंडो, खिड़की के पास, काय के लिए, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और फिर राइटिंग टेबल जो पब्लिक के लिए होता है कोने में लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस में, वहां जाके खड़ा हो गया। ही स्टार्टेड टू राइट, फिर लिखना शुरू कर दिया, स्टार्टेड मतलब लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और कैसे अपने बहू को थोड़ा सा प्रेशर देकर ऐसे गुस्से में यूं करके लिखते है ना, ऐसे अब इस ब्रो को ऐसे करके, कॉज्ड, कारण क्या, By the effort he had to make. अब ये ऐसी क्यों हो रही थी, उसके गुस्से में क्यों दिख रहा था, उसकी भौहें तने हुए क्यों दिख रही थी, क्योंकि वो एफर्ट लगा रहा था। कारण क्या था,
एफर्ट लगा रहा था, यानी कोशिश कर रहा था काहे के लिए, मेक टू एक्सप्रेस, उसे अपने अंदर के जो एक्सप्रेस करने थे, आइडियाज जो आ रहे थे उसको, हिज आइडियाज विचार आ रहे थे उनको लिखने में प्रेशर लगा रहा था, क्योंकि थोड़ा गुस्सा रहा होगा उसके वजह से ये हो रहा था। वेन ही फिनिश्ड, जब उन्हें फिनिश कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो फिर वो खिड़की के पास क्यों गया, वहां गया ताकि टू बाय खरीदने स्टैम्प, टिकट चिपकाते ना लेटर के ऊपर, विच ही लिक्ड, जो उसने ऐसे लिक की, लिक का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक करना, और फिर उसको अफिक्स कर दिया, फिक्स है ना चिपका दिया, और ऐसे ऐसे फिर ठोक दिया एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट ये ब्लो ऐसे मारना, तो उसे ऐसे आपने देखा होगा लेटर के ऊपर कोई बढ़िया सी स्टैंप लगाना हो, ऐसे लगाते, ये लगा रखा है, ऐसे ठोक देते चिपक जाते, ये पुराना आइडिया पुराना स्टाइल है लेटर भेजने का। तो ये था, अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। द मोमेंट, जिस पल द लेटर फेल इनटू यानी उसमें गिरा, काहे में, द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स यानी वो लाल डब्बा जो पोस्ट ऑफिस में होता है, एंड द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ओपन इट खोलने के लिए गए, और इट सेड, इट सेड कौन सेड, लेटर सेड यानी लेटर क्या बोल रहा है, अब देखिए, गॉड ऑफ द मनी, गॉड से कह रहे हैं कि ऑफ द मनी दैट आस्ट फॉर, जो मैंने कहा था, भगवान से बोल रहा है कि जो पैसे के लिए मैंने बोला था, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे मुझ तक पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, तो सेंड मी द रेस्ट यानी बाकी के पैसे मुझे भेजे, सिंस नीड इट वेरी मच, चूंकि, क्योंकि नीड इट वेरी मच, आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू, और देखो कितनी खतरनाक बात भाई, बहुत डेंजर बात, डोंट सेंड इट टू मी, बिल्कुल मत भेजना थ्रू यानी के माध्यम से, के द्वारा, किसके द्वारा, द मेल, बिकॉज मेल के द्वारा यानी पोस्ट के द्वारा मत भेजना, पत्राचार के द्वारा, काहे भैया, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है आर ब्रंच बंच ऑफ क्रूक्स, बंच मतलब झुंड समूह, काय का क्रूक्स बेईमानों का झुंड है, लेंचो भैया ने लिखा लेटर कि भैया भगवान जी पैसे आपने एक तो भेजे कम और शायद भेजे भी हो पता नहीं, लेकिन आगे बचे वाले भेज दो, बहुत जरूरत है, और मेल से मत भेजियो काहे कि ये बहुत बदमाश है, अब देख लो अब लेटर क्या बोल रहा है, और हमने भी पूरी स्टोरी देखी कि क्या हुआ, तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओरल कम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं, वॉज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था, फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, जब उसे लेटर मिला पैसों के साथ तो क्या सरप्राइज हुआ, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, बोले भगवान ने तो भेजना ही भेजना था, मैं काहे ने सरप्राइज हो जाऊं, तो ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए थे। व्हाट मेड हिम एंग्री, पर वो नाराज हुए थे, क्यों हुए थे, बिकॉज ही गॉट ओनली 70 बट ही आस्क्ड फॉर 100, तो वो एंग्री हो गए कि भैया ये तो गलत बात है, और फिर सोचा भी मन में दिमाग में आया कि भगवान ही कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो कर नहीं सकता, नॉर ही डिनाइड, को मना भी नहीं कर सकते, तो कुछ गड़बड़ है, सोचना पड़ेगा, ऐसा करके उसके दिमाग में चला। तो ये हो गया हमारा ओरल कौन, अब हम शुरू करते हैं, जितने भी पिछले टॉपिक में पिछले 2-3 पार्ट में हमारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन आए थे, अब हम उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, काय की उम्मीद की थी उनने, तो लेंचो होप्ड फॉर वाटर, पानी की उम्मीद की थी, इन फॉर्म ऑफ यानी के रूप में, काय के रूप में, बारिश के रूप में, काय के लिए, हिज क्रॉप अपनी फसल के लिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स, लेंचो रेन ड्रॉप्स को क्या कहता है, एंड वर लाइक न्यू कॉइन, कि वो जो रेन ड्रॉप्स थी वो कैसी थी, वो थी कॉइन के जैसी, तो ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों ऐसा बोल रहा है वो कि वो उसके जैसी थी, तो अब देखिए क्या बोल रहा है,
ही सेड दिस बिकॉज, ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हिज क्रॉप, क्योंकि उसकी जो फसल थी रियली नीडिड रेन, उसे सही में बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि फॉर बींग अ गुड हार्वेस्ट, कि वो बारिश हो जाती तो अच्छी फसल में तब्दील हो जाती, बींग अच्छी हार्वेस्ट है ना, फसल पकने में अच्छी. सो व्हेन इट रेन, तो बारिश हुई तो ही सॉ इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन. तो जब बारिश हुई तो बारिश को बूंदों को उसने ऐसा सोचा कि ये महज बारिश की बूंदे नहीं है, मेरे लिए कॉइन्स है, तो इसलिए उन्हें ऐसा सोचा था. चलिए फिर से देखते हैं, हाउ डिड द रेन चेंज, फिर बारिश चेंज कैसे हो गई, चेंज कैसे हुई, कौन बारिश, और व्हाट हैपन, क्या हो गया टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड में क्या हो गया, खेत में क्या हो गया. तो द रेन चेंज, बारिश चेंज हो गई, बदल गई इनटू अ हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म है ना, ओलावृष्टि, में ओले गिरने लगे थे. हेल्स फेल ऑन द हाउस, और जो ओले थे वो कहाँ गिरने लगे, हाउस के ऊपर गिरने लगे, गार्डन में गिरने लगे, हिल साइड है ना, पहाड़ी क्षेत्र पूरे में गिरने लगे. एंड द कॉर्नफील्ड, और जो उसके मक्का के खेत थे वहां भी गिरने लगे. एंड दे मतलब ये हेल्स ओले, इनने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा लेंचो का फील्ड, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. तो ये इस तरह से चेंज हो गया था. व्हाट वर लेंचो फीलिंग, लेंचो की फीलिंग क्या थी, कैसा उसको अनुभव हो रहा था कि क्या हो गया. एंड व्हेन द रेन स्टॉप, जब बारिश हुई तो उसको कैसा लग रहा, महसूस कैसा हो रहा था, तो देखिए कैसा महसूस हो रहा था. लेंचो वॉज डिसअपॉइंटेड बैडली, बहुत निराश था, डिसअपॉइंट मतलब निराश, बैडली बहुत बुरी तरह. एंड द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, और हेल जो थे ओले थे, हैड लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा था. ही फेल्ट दैट, उसको ऐसा अनुभव हुआ कि दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, क्या उसको उस साल तो बिल्कुल कॉर्न यानी मक्के की खेती होने वाली है नहीं, तो ऐसा उसको फील हुआ था. हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, अब किसमें और किस बात में लेंचो को भरोसा था, व्हाट डिड ही डू, तो क्या किया उन्हें. तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में भरोसा था. ही फेल्ट दैट, और उसको ऐसा अनुभव हुआ कि गॉड सीज, कि भगवान सब देखता है. एंड द ट्रूथ बट वेट, क्या कहावत है ये, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट, भगवान के घर अंधेर क्या है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, ये बात होती है इसका, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए इस बात में भरोसा करते हुए उनने भगवान को लेटर लिखा. तो चलिए अभी समझ में आ रहा होगा, हमने तो ऐसे लेसन भी पढ़ा है तो समझ में जल्दी आ जाएगा. हू रेड द लेटर, उनने जो लेटर लिखा तो किसने पढ़ा, तो पोस्टमैन ने और पोस्टमास्टर रेड द रेड लेंचोज लेटर, दो लोगों ने, पोस्टमैन और पोस्टमास्टर. व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, तो अब जब पढ़ा लेटर तो उनने क्या किया, द पोस्टमास्टर हेल्प्ड लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो की हेल्प की बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. कैसे सेंडिंग यानी भेज कर, क्या भेज कर, पैसे भेज के, किसकी तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब था की तरफ से, किसकी तरफ से, गॉड की तरफ. लेंचो हैड रिटन, लेंचो ने लेटर लिखा था एक लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विद मनी, पैसे से मदद करो ऐसा लेटर लिखा था. एंड द पोस्टमास्टर डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, और पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि उसका जो लेंचो का जो फेथ है वो हिले, भरोसा टूटे, भगवान में भरोसा बना रहे, ऐसा चाहता था वो इन गॉड. सो ही कलेक्टेड मनी, तो उसने कलेक्ट किया सब लोगों से, उसके दोस्तों से, अलग अलग लोगों से, एम्प्लॉय से, सबसे पैसे कलेक्ट किया. एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को भेज दिया. ये ऐसा क्वेश्चन हमने लिया, उसमें भी पढ़ा लेंचो वाले क्वेश्चन, उसमें लेसन में, और ये क्वेश्चन वॉज लेंचो सरप्राइज्ड, क्वेश्चन ये है कि क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड अ लेटर, जो उसे लेटर मिला था, फॉर हिम विद मनी इन इट, मनी इन इट मतलब पैसे से भरा लेटर जिसमें उसे मिला, तो क्या वो सरप्राइज हुआ कि भाई अरे ये क्या हो गया, मुझे तो गॉड ने पैसे भेज दिए, ऐसा कुछ उसको सरप्राइज हुआ क्या. तो चलिए देखते हैं. नो एब्सोल्युटली नॉट, लेंचो है कहाँ सरप्राइज होने वाला था उसको, लेंचो इज नॉट सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ उसको.
फाइंड अ लेटर फॉर हिम, उसे जो लेटर मिला था उसमें पैसे मिले, उससे पाकर वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ विद मनी. इट वॉज बिकॉज ऐसा क्योंकि ही हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था गॉड में, बिल्कुल 100% भरोसा. ही न्यू, उसे पता था कि गॉड सॉ एवरीथिंग, भगवान सब देखता, इवन वॉट वॉज इन आन वन्स कॉन्शंस, बल्कि वो भी देख लेता जो किसी के मन में हो. बोलते ना भगवान तो मन की बात जान लेते, तो लेंचो को ये बात पता थी कि लेंचो ये जानता था कि भगवान तो 100% भेजने भेजना, इसलिए तो उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ. चलिए आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है. अगला प्रश्न कहता है कि व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज ने उसे गुस्सा दिलाया या किस बात ने उसे नाराज कर दिया. देखते हैं, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने रिक्वेस्ट कितने की थी, लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी 100 पैसों की, सेंड हिम 100 पैसों. सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए एंग्री हो गया. नॉट टू फाइंड, नहीं मिलने पर, अकॉर्डिंगली यानी जितना उसने बोला था उसके अनुसार उसे नहीं मिला, इसलिए वो एंग्री हो गया. तो ये क्वेश्चन भी हो गया. तो ये सारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए. अब हम अगले जो दूसरे टेक्सचुअल एक्सरसाइज दी हुई है बुक में आपकी, वो वाली देखते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए थोड़े से डिटेल आंसर है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि लॉन्ग आंसर है. आपको लॉन्ग आंसर थोड़ा अच्छे से समझ लोगे, आपको क्रैमिंग नहीं करना है, इसे थोड़ा समझ लेंगे. कुछ की वर्ड्स जो होते हैं वो आप उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कीजिए और फिर आंसर अपने दीजिए. क्योंकि यदि आप क्रैमिंग करने जाएंगे तो अभी मैं आपको बता दूँ कि NCERT के जो ये बुक आ गई है इसमें आप यदि क्रैमिंग के पीछे जाते हो, और स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इफ दे क्रेम इट, इफ दे ट्राई टू क्रेम इट और दे वॉन्ट टू लर्न बाय हा, सो इट्स नॉट पॉसिबल. तो यू बेटर लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस यूजिंग की वर्ड्स, यू बेटर रिमेंबर और कीप लर्निंग की वर्ड्स, नॉट होल आंसर. सो प्लीज, वाई डज लेंचो, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हैव कंप्लीट फेथ इन, कि पूरा भरोसा गॉड में उसको क्यों था, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल, और ऐसा भरोसा उसे था. ये हमने अभी जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, लेसन पढ़ा है, ये कौन से सेंटेंसेस ऐसे बताते हैं कि वो पढ़ के हमको लगता है कि नहीं लेंचो बिल्कुल सही है, उसे पूरा भरोसा गॉड में है. तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हमने वहाँ से लिए हैं और बड़ा ईजी है ही, बुक में से हम तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा और वो लिखना भी पड़ेगा. तो थोड़ा समझ ले, सेंटेंस नंबर 1 क्या कहता है, जैसे का वैसे लिया है हमने बुक से, कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, एक सेंटेंस था कि सभी के मन में जो भी वो सॉलिटरी यानी वो जो एकांत हाउस है इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच में एक जो एकांत एकमात्र घर है वहां रहने वाले सभी के दिलों में, सभी के मन में वो निवास करता है. देर वॉज सिंगल हो और उन लोग के हिसाब से एकमात्र उम्मीद उनकी क्या उम्मीद है, हेल्प फ्रॉम गॉड, और उन लोगों की उम्मीद क्या है, मदद गॉड से, भगवान की मदद, भगवान द्वारा मदद. दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, तो पूरी रात भर वो उस एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा लेंचो, और वो उम्मीद क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, और हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और भगवान जिनकी आंखें हमेशा इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसको इंस्ट्रक्ट किया है, जैसा लेंचो ने अभी तक सीखा था, सी एवरीथिंग, हर कुछ देखती है, भगवान की नजरें सब कुछ देख लेती, व्हाट इज डीप इन वन कंसर्न, जो कुछ किसी के मन में भी हो, गहराई में भी हो, मन के किसी कोने में भी बात दबी हो, विचार आ गया हो, वो भी देख लेता है गॉड. फिर थर्ड सेंटेंस क्या कहता है कि गॉड ही रोट, उसने लिखा आगे, भगवान को लिखते हुए कि इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रहेगा. और अगला सेंटेंस क्या कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड हिम मिस्टेक,
कि गॉड तो गलती कर नहीं सकते, गॉड है वो, उनके द्वारा गलती करना संभव नहीं है, नॉर कुड ही है डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना भी कर सकते हैं कि जा लेंचो मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, ऐसी कोई सोच उसको नजर नहीं आती। वो बोलता है कि भगवान भी ऐसा नहीं सोच सकते जो भी रिक्वेस्ट हमने किया है ये। तो ये चार सेंटेंस बताते हैं कि उसे पूरा भरोसा था गॉड में। तो अब अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन सेकंड कहता है कि व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, क्यों भेजता है, उसे क्या पड़ी थी भाई, भाई ये तो उसका जॉब था, ऐसे रियल लाइफ में तो ये तो स्टोरी थी, रियल लाइफ में ऐसा कुछ आया और आप में से कोई पोस्ट मास्टर रहे तो क्या ऐसा करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल है, अब आप इस लेसन से क्या सीखते हैं, व्हाई डज ही साइन लेटर गॉड, और फिर वो भेजता तो भेजता है, अरे चल बता देता कि चलो यार हम लोग ने तुम्हारे लिए हेल्प के हिसाब से करा था, साइन भी कर दी गॉड, गॉड ने भेजा। अब देखते हैं क्या बोलते हैं हम, कि द पोस्ट मास्टर वॉन्टेड टू रिटेन लेंचोस फेथ। यस, वो आया था ना शेख फेथ है, वो हिलाना नहीं चाहता, उसका विश्वास डगमगाना नहीं चाहता है, वही बात कि पोस्ट मास्टर वॉन्टेड टू रिटेन, रिटेन यानी बनाए रखना चाहते, कायम रखना चाहता है क्या, लेंचो का फेथ, लेंचो का भरोसा किसमें, इन गॉड। व्हेन ही रेड दैट लेंचो हैड रिक्वेस्टेड, जब उसने ये पढ़ा कि लेंचो ने ऐसी रिक्वेस्ट की है, कैसी रिक्वेस्ट, मनी की, पैसे की, धन की, ही डिसाइडेड टू हेल्प, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया वहीं कि अब तो मैं लेंचो की मदद करूंगा। ही गेदर्ड एज मच एज मनी, और उन्होंने गेदर्ड किया, गेदर यानी कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, एज मच एज मनी, उतना धन जितना ही कुड बाय आस्किंग हिज एम्प्लॉइज, और कैसे जितना वो कर सकता था वो करा, और कैसे करा, बाय आस्किंग यानी बोल कर, कह कर, पूछ कर, किसको, एम्प्लॉइज को, उसके टू कंट्रीब्यूट, और क्या बोला कि कंट्रीब्यूट करो भाई, योगदान करो, अपने पास ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, एंड गिविंग अ पार्ट ऑफ हिज ऑन सैलरी, और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी उनने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, कि क्या लेंचो ने फाइंड आउट, पता करने की कोशिश की थी, हु हैड सेंट द मनी टू हिम। अब भाई यदि कोई और रहता और ऐसा कोई घटना हो जाती तो अपन तो प्रयास करते ना कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसे मजाक में लेटर लिख दिया था गॉड को, गॉड तुझसे ग्रेट हो, और फिर ये सही में पैसा भेज दिया, तो क्या उसने पता करने की कोशिश की कि भाई ये कौन महाशय आ गए भाई गॉड बन के, गॉड की तरफ से पैसे भेज दिए। तो चलिए वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, अब भाई वो क्यों यानी पता भी कर सकता था और क्यों नहीं किया, स्टोरी के अनुसार तो उन्होंने नहीं किया ऐसा कुछ पता, देखते। नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड, बिल्कुल नहीं उसने कोई कोशिश नहीं की। हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि किसने उसे पैसा भेजा, कोई उसने ट्राई नहीं किया, कुछ नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका इस प्रकार का ऐसा उसका एक भरोसा था गॉड में। He never suspected that, वो कभी इसको शक ही नहीं, कोई संशय की स्थिति नहीं थी, it could be anyone else, कि कोई और भी हो सकता है भैया, तो ऐसा उसको कोई नहीं था, other than God, यानी उसको ऐसा कोई बिल्कुल ऐसा शक की स्थिति नहीं थी, कोई संशय नहीं था कि कोई ऐसा हो सकता है जो उसकी मदद करेगा, इसलिए उसने सोचा नहीं भाई मुझे तो 100% पूरा गॉड में फैथ है, तो इस तरह इसलिए उसने नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, अब हु यानी किसी के बारे में सोचा लेंचो ने कि हैज टेकन, कि उनने वो पैसा ले लिया, कौन सा वाला रेस्ट यानी बचा वाला जो नहीं मिला। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, आयरनी यानी क्या विडंबना है, क्या यहाँ एक तरह का एक वो बोलते ना व्यंग दिया गया है ये, कि एक तरफ बेचारे वो मदद भी कर रहे, दूसरी तरफ ये उसको ब्लेम भी कर रहा है कि नहीं वही बदमाश है, तो ये एक आयरनी है इस लेसन में, ये बहुत बड़ी, इसके पीछे बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक संदेश छिपा है कि ऐसा क्या भाई, ऐसा क्यों, स्टोरी लग तो रही है ऐसी कि हाँ ठीक है एक ऐसा मूर्ख है ये लेंचो और ऐसा कोई होता है क्या ये वो, लेकिन इसके पीछे जो बहुत बड़ा मैसेज है वो बहुत मायने रखता है। अब देखिए वो क्या है,
और रिमेम्बर याद रखने वाली ये है कि आयरनी ऑफ अ सिचुएशन की स्थिति की जो ये स्थिति क्रिएट हुई विशेष स्थिति क्रिएट हुई है आयरनी वाली, आयरनी ने व्यंग वाली, एक विडंबना बोलते हैं इसको हिंदी में, इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट, और ये एक कैसा है अप्रत्याशित पहलू है इसका। एंड आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज, और एक जो ये ऐसी व्यंग या व्यंगात्मक स्थिति जो होती है या विडंबना वाली स्थिति जो होती है वो बहुत स्ट्रेंज होती है, बहुत ही स्ट्रेंज यानी विचित्र होती है, और अम्यूजिंग भी होती है। अम्यूजिंग मतलब वो बड़ी अजीब विचित्र स्थिति क्रिएट कर देती है, बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये एकदम अपोजिट है, विरुद्ध है किसके एक्सपेक्ट, जो किया है हमने, जो हमने आशा की थी, जो उम्मीद की थी, उसके विपरीत ये क्या करता है स्थिति क्रिएट करता है। इसलिए ये यहाँ पर एक दिया भी है कि भाई ऐसा क्या, यानी कि ऐसी क्या विचित्र स्थिति निर्मित हो गई है, और स्थिति निर्मित हुई है, एक तरफ शरीफ लोग है, बेचारे बंदे लोग हेल्प कर रहे हैं, उसी को उन्होंने बदनाम कर दिया कि ये बदमाश है। तो ये एक विडंबना ऐसी देखिए कि क्या है, मतलब जैसे होता है कि यार समझ में नहीं आ रहा सच्चाई क्या है और कैसे पता करे, और वो बताना नहीं चाह रहे। तो चलिए आगे देखते हैं आंसर क्या कहता है कि लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट मनी, कि वो ये सोच रहा है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उनने बचा हुआ रेस्ट मनी ले लिया। एंड द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस स्थिति में व्यंग देखिए, विडंबना ये हो गई कि दैट द एम्प्लॉइज होम ही कॉल्ड, कि वो जो एम्प्लॉइज है जिसे वो कॉल्ड, यानी क्या कॉल कर रहे हैं, क्या पुकार रहे हैं, क्या कह के बोल रहे हैं कि बंच ऑफ क्रू, बंच ऑफ क्रू यानी बदमाशों का एक झुंड है, एंड सस्पेक्टेड ऑफ टेकिंग सम ऑफ द मनी, और क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं कि टेकिंग सम ऑफ द मनी और द सेम पीपल हु हैड कंट्रीब्यूटेड, कि उनने उसका कुछ पैसा ले लिया, जबकि वर द सेम, कि ये लोग वही है पीपल हु हैड कंट्रीब्यूटेड, जो उनने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है पैसे इकट्ठा करने में, उसको भेजने में, इन सेंट हिम द मनी, सेंट हिम यानी उसको पैसा भेजा, ये वही लोग है जिन्हें पैसा इकट्ठा किया, और वो क्या बोल रहा है, ये बदमाश लोग है। तो यही विडंबना है, यही यहाँ पर एक विचित्र स्थिति क्रिएट हो गई है, जो यहाँ पर अम्यूजिंग, स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग बोला ना, ये वही स्थिति क्रिएट हो गई है। और आगे इसको हम और देखते हैं कि आर देयर पीपल, अगला क्वेश्चन है कि आर देयर पीपल लाइक लेंचो, क्या लेंचो जैसे लोग होते हैं इन द रियल वर्ल्ड, सही वास्तविक दुनिया में, एंड वॉट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, और आपके अनुसार क्या लगता है किस प्रकार का व्यक्ति वो है, किस तरह का है, एंड यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स आंसर द क्वेश्चन। अब वो किस प्रकार के व्यक्ति है, आप ये इसमें कुछ वर्ड्स दिए, इसमें से आप उसको कर सकते हो कि सेलेक्ट कर लो वर्ड कि ये वर्ड इस पर सूट करता है। तो देखिए चलो देखते हैं अभी, अब क्या वो ग्रीडी था, ये देखिए ग्रीडी क्या नाइव है वो, स्ट्यूपिड है वो, एंड नाइव स्ट्यूपिड, एंड ये क्या है, अनग्रेटफुल है वो, सेल्फिश है वो, कॉमिकल है, और अनक्वेश्चनिंग है, किस प्रकार का है। तो हम देखते हैं आंसर कि इसमें से क्या क्या है। देयर माइट अ फ्यू पीपल लाइक, हो सकते संभावना है कि ऐसे हो सकते लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, हो सकते है, ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम है ही नहीं, दुनिया विचित्र लोगों से भरी पड़ी है, हो सकते हम कुछ नहीं कह सकते। ही इज एन अनक्वेश्चनिंग नैव काइंड ऑफ अ पर्सन, और हाँ उसमें से हमने दो ली कि वो एक अनक्वेश्चनिंग यानी जिसपे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हम, निर्विवादित व्यक्ति हम कोई, अब हमने पूरी स्टोरी पढ़ी उसमें लगा हो कहीं से कि विवादित व्यक्ति होगा या बनावटी व्यक्ति है या नहीं आ रहे, तो उसको पता था कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी उसने लेटर नहीं हो, ही वाज सो इनोसेंट, तो अनक्वेश्चनिंग उसको बोला नया बेचारा सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति, कोई मन में उसके वो नहीं, तो काइंड ऑफ पर्सन यानी इस प्रकार का व्यक्ति वो था, ये हम बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पूरा स्टोरी का निचोड़ है ये, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कि क्या कहता है निचोड़, कि देर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दो प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट यानी यहाँ पर एक संघर्ष है, लड़ाई है, यहाँ पर दो प्रकार की लड़ाई है इन द स्टोरी कहानी में, बिटवीन ह्यूमन एंड मानव के बीच में, और एंड नेचर प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व,
मनुष्य खुद मनुष्यों के बीच में आपस में लड़ाई, एक तो प्रकृति और मानव के बीच लड़ाई है कि मानव ने कुछ किया और प्रकृति ने उसको खराब कर दिया, दूसरी है कि मानव ने कुछ किया और दूसरे मानव ने उसको मानने से इनकार कर दिया, या उन्हीं मानव पे वो अपने ही वालों पे, अपने सगे संबंधी पे, अपने दोस्त भाई पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। ये दो प्रकार का संघर्ष यहाँ पर है। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, कैसे उनको उदाहरण द्वारा हम उसको समझा सकते, कैसे चित्रित किया गया स्टोरी में, ये देखेंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचो, लेंचो का ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन यानी जो डिस्ट्रॉय, इसमें वर्ड आया था ना डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय जो है ये क्या है, डिस्ट्रॉय वर्ब है और ये डिस्ट्रॉय से ये डिस्ट्रक्शन बनाया है, ये नाउन है। कई बार एग्जाम में आता है डिस्ट्रॉय वर्ब, इसका नाउन फॉर्म बताइए, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचो फील्ड बाय द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म यानी हुई कौन सा, ओलावृष्टि हो गई, खूब ओले बरसे तो उससे वो डिस्ट्रक्ट हो गया, खराब हो गया, नष्ट हो गया। इलस्ट्रेट्स द, इलस्ट्रेट यानी चित्रित करता है, बताता है, दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, यही बताता है कि मानव और प्रकृति में क्या संघर्ष है, क्या लड़ाई। लेंचो है वर्क्ड वेरी हार्ड, लेंचो ने बहुत कठिन परिश्रम किया ऑन हिज फील्ड, अपने खेत पर बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बदले में प्रकृति ने नष्ट कर दिया। He required money to feed his family. अब उसको सब नष्ट हो गया तो क्या की जरूरत पड़ी, अरे भाई जरूरत पड़ेगी ना खाने के लिए, जरूरत खाने का चीजें, उसकी खेत की चीजें, उसकी फसल सब बर्बाद हो गई, पैसे उसके पास है नहीं कि वो कुछ लाए, तो ही रिक्वायर्ड मनी, उसे पैसों की रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत है, फीड यानी खाना खिलाने की अपने परिवार को। सो द हार्वेस्ट जो फसल थी वॉज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, उसके लिए जो फसल थी, उसकी जो पकने वाली थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ही वॉज होपिंग, होपिंग मतलब बहुत उम्मीद थी उसको, फॉर अ गुड शावर, एक अच्छी बारिश होगी, एक बूंदाबांदी होगी जिससे उसको अच्छे पानी मिलेगा, फॉर हिज क्रॉप्स अपनी फसल के लिए, बट द हेल स्टॉर्म पर वो पानी जो है बारिश न होके और आगे बढ़ गया, तूफान में तब्दील हो गया और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये डिस्ट्रॉय जो अभी आगे आया था ना पीछे, उसमें डिस्ट्रक्शन मैंने बताया था, वो इसी से बना है, यहाँ पर ये वर्ब है, वहाँ वो ना होने, द क्रॉप्स फसल को पूरी तरह से हेल स्टॉर्म में डिस्ट्रॉय कर दिया। द पोस्टमास्टर ऑन द अदर हैंड, अब दूसरे वहीं पर दूसरे पहलू क्या कहता है, अदर ऑन द अदर हैंड, ये एक पूरा फ्रेज है, ये कहता है कि दूसरा पहलू क्या कहता है, अलोंग विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज यानी अपने कर्मचारियों की हेल्प से, अलोंग विद यानी के साथ साथ, यानी अपने खुद के साथ साथ अपने कर्मचारियों से उसने हेल्प ली, और गैदर्ड यानी पैसे इकट्ठा किए, एज मच मनी एज ही कुड, उतना धन इकट्ठा किया जितना वो कुड, यहाँ पर दिया ना कुड, कुड मतलब वो कर सकता था, उतना जितना, एज का मीनिंग होता है उतना जितना, या एज मच यानी उतना पैसा जितना, तो दो एज आते, तो एज मच एज का मतलब उतना पैसा जितना, एज मच मनी एज उतना पैसा जितना ही कुड, कुड मतलब कर सकता था, टू सेंड इट टू लेंचो, जितना वो लेंचो को भेज पाता, इट वॉज एन एक्ट ऑफ, और ये काय का एक्ट है, यानी कार्य है, ये कार्य है काइंडनेस, काइंडनेस यानी दयालुता, एंड ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी मतलब मानवता, तो ये काय का काम था, ये दयालुता का, दया का, मानवता का काम था, ये काम उनने किया। इवन आफ्टर, इसके बाद भी दे डिड अ गुड डीड, देखिए दे इवन आफ्टर दे डिड अ गुड डीड, ये देखिए डीड और डीड यहाँ दो आए हैं, ये डिड है और ये डीड है, ये जो दे डिड यानी डू का सेकेंड फॉर्म है, डू इसका सेकेंड फॉर्म, डीड तो ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, और गुड डीड, ये डीड जो है ये नाउन है, ठीक है। अब दोनों में बोलने में भी अंतर क्या रहा, स्पेलिंग आते, ये डिड और ये डीड, डिड डीड डिड डीड, तो ये नाउन वर्ब अंतर है, उसमें भी अंतर है, बहुत सारा अंतर है, याद रखेंगे। लेंचो ब्लेम्ड देम, इसके बाद भी इतना अच्छा काम किया है, लेंचो ने क्या किया, उनको ब्लेम कर दिया, उन पे आरोप लगा दिया, प्रत्यारोप लगा दिया कि सारा पैसा खा गए, फॉर टेकिंग, काय के लिए कि टेकिंग अवे यानी हमसे ले गया सम अमाउंट ऑफ मनी, हमारे मेरे पैसे का कुछ हिस्सा ये बंदे ले गए, एंड कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उनको क्या बोल दिया, उनको एक नाम दे दिया, बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों बेईमानों का झुंड। दिस शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन, और ये वाला जो दिखाता है कि ये है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, लड़ाई आपस में, बैर किसके बीच,
खुद के बीच इज दे डोंट हैव फेयर इन फेलो ह्यूमन। क्यों है आपस में? क्योंकि आपस में मानव का मानव पे भरोसा नहीं है। मतलब वो अदृश्य शक्ति के बारे में सोच रहा है कि उन्होंने मुझे पैसा भेजा और ये इन लोगों ने वो पैसा ले लिया, उससे भरोसा नहीं। तो ये एक दो बड़े दुख की बात है कि एक मानव दूसरे मानव पे भरोसा नहीं कर रहा है जबकि किया उन्होंने ही है। तो ये यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ झूठे लोगों के वजह से सच्चा व्यक्ति बदनाम हो जाता है, कुछ सच्चे लोगों के वजह से झूठे तो तैर सकते हैं, उनका नाम हो सकता है। क्योंकि सच्चा एक सच्चा भी रह गया तो 100 झूठों को ले सकता है। लेकिन उल्टा यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर इतना अच्छा काम करने के बाद उनको बेचारों को बदनामी मिली। तो ये थी स्टोरी और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारे सारे लॉन्ग आंसर भी डिस्कस हो गए, हमारे ओरल कंप्रिहेंशन भी हो गए, सारे हो गए। उम्मीद है आपको लेसन भी समझ में आ गया होगा। और बार बार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट हुई है, हर क्वेश्चन में रिपीट हुई है, तो आप कुछ की पॉइंट्स याद रख लेंगे तो आप सारे आंसर दे पाएंगे। तो अगले लेसन में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय। और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ याद बिल्कुल मत करना, याद करोगे इतने लॉन्ग और लेंदी आंसर आप परीक्षा में नहीं लिख सकते। तो क्या कोशिश करना है आपको, कीवर्ड्स इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए और फिर सेंटेंस बनाना सीखिए। सेंटेंस बनाना भी मैं ही सिखाऊंगा, आप बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता मत करिए। डोंट फियर इफ मालवी सर इज हियर। यस ओके बाय।